नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम एक बार फिर से। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे और चेक करेंगे ये ट्रू वायरलेस एयरबड्स। तो दोस्तों, ये है M10 ट्रू वायरलेस एयरबड्स। और देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ आपको डिज़ाइन मिल जाता है ट्रू वायरलेस एयरबड्स का। एंड यहाँ पे आपको देखिए ब्लूटूथ वर्जन 5.1 मिल जाता है। एंड देखिए यहाँ पे M10 मेंशन किया गया है। एंड देखिए इसमें आपको चार्जिंग इंडिकेशन के लिए डिस्प्ले भी मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको टच कंट्रोल्स मिल जाता है। एंड देखिए यहाँ पे भी आपको इमेज दिख जाएगी। तो देखिए ऐसे कुछ आपको ट्रू वायरलेस एयरबड्स मिल जाते हैं, ऐसा कुछ चार्जिंग केस है। एंड यहाँ पे देखिए ब्लूटूथ वर्जन 5.1 इसमें आपको मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको देखिए 5 आवर्स तक का प्ले टाइम मिल जाता है। एंड देखिए 2 घंटे में आप इसे चार्ज कर सकते हो। एंड यहाँ पे देखिए आपको इसमें आपको स्टूडियो साउंड मिल जाता है, स्मॉल साइज़ है ये। कॉलिंग के लिए और म्यूज़िक के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। एंड फास्ट चार्जिंग का भी फीचर इसमें आपको मिल जाता है। एंड दोस्तों, ये प्राइसिंग में बताऊँ तो बहुत ही सस्ते आपको मिल जाते हैं। ये सिर्फ आपको 500 से 600 रुपये की प्राइसिंग में मिल जाएंगे। फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से आप ले सकते हो। एंड दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में भी दोस्तों लिंक मैंने दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, कर लेते हैं इनकी अनबॉक्सिंग, चेक करते हैं इन बर्ड्स को, देखते हैं कैसी इनकी क्वालिटी है। तो देखिए दोस्तों, ऐसी कुछ बॉक्स पैकेजिंग आपको देखने को मिल जाती है। तो इनको रखते हैं थोड़ा साइड में। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको एक यूज़र मैनुअल मिल जाती है, ये इंग्लिश में है, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको एक माइक्रो एसबी केबल मिल जाती है चार्जिंग के लिए। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आते हैं अपने इन बर्ड्स की तरफ। तो दोस्तों, ये है M10 ट्रू वायरलेस एयरबड्स। एंड इन बर्ड्स को भी हम निकाल लेते हैं बाहर। एंड ये है दोस्तों हमारा चार्जिंग केस। तो देखिए दोस्तों, ऐसे कुछ एयरबड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको बैक साइड यहाँ पे टच कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको LED लाइट का इंडिकेशन भी देखने को मिल जाता है। एंड सामने से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए आपको सिलिकॉन टिप देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे देखिए चार्जिंग पॉइंट्स दे रखे हैं। एंड यहाँ पे लुक की अगर मैं बात करूँ तो देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, इतने ज़्यादा लो क्वालिटी के नहीं लग रहे हैं। एंड बिल्ड क्वालिटी भी इनकी प्राइसिंग के हिसाब से ठीक ठाक लग रही है, बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी के नहीं लग रहे हैं। एंड देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ चार्जिंग केस आपको देखने को मिल जाता है। एंड अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो देखिए ऐसा कुछ चार्जिंग केस है। यहाँ पे ढक्कन में अगर आप देखोगे तो बहुत ही ढीला ढाला सा ढक्कन है इसका, देखिए। बट यहाँ पे आपको देखिए मैग्नेट मिल जाता है, तो ये मैग्नेटिक ढक्कन इसमें आपको मिल जाता है। बट ढक्कन जो है थोड़ा सा आवाज़ कर रहा है, थोड़ा ढीला सा भी है, लूज़ है। एंड यहाँ पे देखिए आपको चार्जिंग पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपने दोनों ही ईयरबड्स को रख के चार्ज करना है। तो चलिए इन्हें कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी दोनों ही ईयरबड्स जो हैं चार्जिंग से कनेक्ट हो चुके हैं। एंड देखिए आपको ऐसा कुछ LED लाइट का इंडिकेशन देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है इस चार्जिंग केस में। तो यहाँ पे डिस्प्ले में आप देख सकते हो कि कितना परसेंट आपका चार्जिंग केस चार्ज है। तो यहाँ पे हमारा चार्जिंग केस देखिए 72% चार्ज है। एंड यहाँ पे आपको इंडिकेशन भी मिल जाएगा कि दोनों ही ईयरबड्स जो है चार्जिंग से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों ही जो ईयरबड्स हैं वो चार्ज हो रहे हैं। तो दोस्तों, वैसे जो इसका ढक्कन है ये ट्रांसपेरेंट है, बट इतना ज़्यादा ऊपर से हमें अंदर की तरफ नहीं दिख रहा है। तो ऐसा कुछ चार्जिंग केस आपको ऊपर से देखने को मिल जाता है। सामने से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको इसमें इनबिल्ट पावर बैंक भी मिल जाता है। तो देखिए इस चार्जिंग केस में आपको पावर बैंक वाला फीचर मिल जाता है। तो यहाँ से दोस्तों माइक्रो एसबी पोर्ट से आप इस चार्जिंग केस को चार्ज कर सकते हो। तो इमरजेंसी केस में दोस्तों आप अपना स्मार्टफोन भी चार्ज कर सकते हो इस चार्जिंग केस को यूज़ करके। एंड नीचे से देखिए ऐसा कुछ चार्जिंग केस आपको देखने को मिल जाता है। एंड बैक साइड से देखिए ऐसा कुछ चार्जिंग केस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं दोस्तों डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो डिज़ाइन तो काफ़ी ठीक ठाक है, बड़ी चार्जिंग केस साइज़ में थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। एंड यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो 500 से 600 की प्राइसिंग में आपको मिलता है। एंड इस प्राइसिंग के हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी ठीक ठाक लग रही है। तो चलिए दोस्तों, इन ईयरबड्स को अभी हम अपने स्मार्टफोन से पेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों, फ़ोन से पेयर करने के लिए दोनों ही ईयरबड्स को आपने इस चार्जिंग केस से बाहर निकाल लेना है। एंड आपने अपने फ़ोन के ब्लूटूथ में सर्च करना है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा शो करेगा M10। तो जस्ट आपने इसको सेलेक्ट करके फ़ोन से पेयर कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, ये बर्ड्स अभी हमारे स्मार्टफोन से पेयर हो चुके हैं। एंड यहाँ पे देखिए बैटरी दिखा रहा है 100% ये चार्ज है। तो चलिए दोस्तों, चेक कर लेते हैं कैसी इनकी साउंड क्वालिटी है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ लुक आपको मिल जाता है जब आप वेयर करते हो इन बर्ड्स को। और दोस्तों, देखने में काफ़ी प्रीमियम लुक आती है, देखने में तो काफ़ी स्टाइलिश लगते हैं। एंड कानों में जो उनकी फिटिंग है वो भी आपको काफ़ी कंफर्टेबल मिल जाती है। एंड ये दोस्तों काफ़ी लाइट वेट भी है, तो आप लंबे टाइम तक इनको यूज़ कर सकते हो, आपको कानों में पेन वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड यहाँ पर दोस्तों, अगर मैं बात करूँ साउंड क्वालिटी को लेकर, तो यहाँ पर दोस्तों आपको साउंड क्वालिटी भी ठीक ठाक मिल जाती है। बहुत ज़्यादा हैवी बेस या बहुत ज़्यादा क्लियर वोकल्स आपको नहीं मिलते हैं, बट प्राइसिंग के हिसाब से यहाँ पे आपको अच्छा खासा साउंड एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो 500 से 600 रुपये की प्राइसिंग जो है इसकी, उस हिसाब से यहाँ पे आपको साउंड क्वालिटी भी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, स्मार्टफोन चार्ज करके देखते हैं। तो ये केबल अभी हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं।
तो देखिए दोस्तों अभी हमारा जो स्मार्टफोन है देखिए चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे दोस्तों आप अपना स्मार्टफोन भी चार्ज कर सकते हो या कोई और भी आप USB डिवाइस इस चार्जिंग केस से चार्ज कर सकते हो, और इमरजेंसी केस में आप अपना जो स्मार्टफोन है वो थोड़ा बहुत चार्ज कर सकते हो। फुल चार्ज तो नहीं होगा एंड ना ही फास्ट चार्ज होगा, बट फिर भी देखिए आप चार्जिंग वाला जो फीचर है उसे यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो इस चार्जिंग केस में जो पिंस दे रखी है ना वो देखिए थोड़ा ऊपर नीचे है। यहाँ पे अगर माइक्रो USB पोर्ट देखोगे आप तो वो भी बिल्कुल प्रॉपर सेट नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे है। एंड यहाँ पे USB स्लॉट भी अगर आप देखोगे ध्यान से तो देखिए ऊपर नीचे प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं हो रखी है। तो थोड़ा बहुत अगर आप इसकी केबल लगाओगे ना तो केबल लगाने में कई बार प्रॉब्लम आती है, कई बार ठीक से केबल नहीं लगती है, कई बार केबल लूज़ रह जाती है। तो थोड़ा सा इसमें मैन्युफैक्चरिंग इशू भी है, थोड़ा सा क्वालिटी को लेके इशू है इसमें, थोड़े बहुत चार्जिंग केस में भी है। यहाँ पे पोर्ट वगैरह प्रॉपर पोजीशनिंग नहीं है, बट 500 से 600 की प्राइसिंग में थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बट ये सब चीज़ें भी आपको मैं बताना चाहता था। तो दोस्तों ये जो छोटी छोटी कमियाँ हैं ना ये आपको इस M10 ईयरबड्स में देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों आपको कंट्रोल्स बता देता हूँ जो आपको इन बड्स में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको इन ईयरबड्स में टच कंट्रोल मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप सिंगल टैप करते हो किसी भी बड को तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पे म्यूज़िक को प्ले पॉज कर सकते हो, ये देखिए, ये आप दोनों से कर सकते हो, ये देखिए। एंड दोस्तों सेम वे से अगर कॉल आ रही है तो आप कॉल भी रिसीव कर सकते हो या फिर डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो सिंगल टैप करके। एंड यहाँ पे दोस्तों अगर आप राइट वाले को ट्रिपल टैप करते हो 1 2 3 तो देखिए आप यहाँ पे म्यूज़िक को नेक्स्ट कर सकते हो 1 2 3, ये देखिए राइट वाले से आप नेक्स्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे दोस्तों अगर आप लेफ्ट वाले को ट्रिपल टैप करते हो तो यहाँ पे आप म्यूज़िक को प्रीवियस भी कर सकते हो, ये देखिए 1 2 3 1 2 3, ये देखिए। एंड दोस्तों इनमें आपको वॉल्यूम कंट्रोल वाला फीचर भी मिल जाता है। तो अगर आप राइट वाले को चार बारी टैप करोगे 1 2 3 4 तो देखिए आप वॉल्यूम को कम कर सकते हो 1 2 3 4, ये देखिए वॉल्यूम कम हो रही है राइट वाले से। एंड अगर आप दोस्तों चार बारी टैप करोगे लेफ्ट वाले को तो यहाँ पे आप वॉल्यूम को इंक्रीज़ भी कर सकते हो 1 2 3 4, ये देखिए वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रही है। तो लेफ्ट वाले से आप वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर सकते हो, राइट वाले से वॉल्यूम को कम कर सकते हो। एंड यहाँ पे दोस्तों अगर आप थोड़ी देर के लिए होल्ड करोगे 2 सेकंड के लिए किसी भी ईयरबड को तो देखिए दोस्तों ऐसे आप गूगल असिस्टेंट को भी एक्टिवेट कर सकते हो या आप दोनों ईयरबड से कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे कुछ आपको टच कंट्रोल्स इन ईयरबड्स में देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर टच कंट्रोल काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, बट कई बार जो उनकी कमांड्स है वो थोड़ी सी मिसमैच हो जाती है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको अपना फाइनल ओपिनियन बताता हूँ इन M10 ईयरबड्स के बारे में जो मैंने ऑब्जर्व किया। तो दोस्तों ये सिर्फ हमें 500 से 600 रुपये की प्राइसिंग के आसपास मिल जाते हैं। तो दोस्तों इस प्राइसिंग में कुछ चीज़ों से हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करो तो डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छा है बट बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पे बहुत अच्छी नहीं मिलती है। बट प्राइसिंग के हिसाब से यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा हाईफाई बिल्ड क्वालिटी तो नहीं है बट नॉर्मल सी बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे आपको मिल जाती है। नॉर्मली अगर आप यूज़ करते हो तो ये जल्दी ख़राब नहीं होंगे। एंड यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करूँ साउंड क्वालिटी को लेके तो साउंड क्वालिटी भी प्राइसिंग के हिसाब से ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी बेस तो नहीं मिलता है बट बेस और वोकल्स नॉर्मल है। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको नॉर्मल क्वालिटी का साउंड एक्सपीरियंस मिल जाता है, तो प्राइसिंग के हिसाब से साउंड क्वालिटी भी मुझे इनकी ठीक ठाक लगी है। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको डिस्प्ले भी मिल जाता है, तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि चार्जिंग केस कितना परसेंट चार्ज है एंड ईयरबड्स जो है वो चार्ज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे वो भी आप डिस्प्ले में देख सकते हो। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको पावर बैंक वाला फीचर भी मिल जाता है, तो आप अपना स्मार्टफोन या फिर कोई और भी USB डिवाइस जो है चार्ज कर सकते हो इमरजेंसी केस में। एंड यहाँ पे आपको बैटरी लाइफ भी इन ईयरबड्स की काफ़ी अच्छी मिल जाती है। एंड टच कंट्रोल भी इनमें काफ़ी रिस्पॉन्सिव मिल जाता है, काफ़ी अच्छे से काम करता है। एंड वॉल्यूम कंट्रोल वाला फीचर भी आपको इन ईयरबड्स में मिल जाता है। एंड यहाँ पे दोस्तों मैंने थोड़ी बहुत कॉलिंग भी करके देखी थी इन ईयरबड्स से, एंड यहाँ पे आपको नॉर्मल लेवल की कॉल क्वालिटी भी मिल जाती है। तो दोस्तों अगर आप कोई लो बजट में ईयरबड्स परचेज़ करना चाहते हो 500 से 600 रुपए की प्राइसिंग के आसपास तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों डेफिनेटली आप इन ईयरबड्स को कंसिडर कर सकते हो, डेफिनेटली आप इन्हें परचेज कर सकते हो। एंड दोस्तों अगर आप ये ईयरबड्स परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक मैंने दे दिया है, आप चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।